आज हम बात करेंगे एक डिवाइस की वर्किंग के बारे में जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है ये परसेंटेज में अपना रिजल्ट शो करता है इसके अंदर एक क्लिप होता है जो कि हम अपने फिंगर के एंड के ऊपर लगाते हैं और वो उसके अंदर एक लाइट बीम होती है जिसके थ्रू हमें जो है ये पता चलता है कि हमारे खून के अंदर जो है वो कितनी ऑक्सीजन है और इसका ये अमूमन जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको अपनी ऑक्सीजन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करनी होती है या जिनको कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो फ्लक्चुएट होती है इसको यूज़ करने का तरीक़ा बहुत ज़्यादा आसान होता है सबसे पहले आपने जो है वो डिवाइस को ऑन करना होता है फिर उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनट के लिए रिलैक्स बैठना होता है ताकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही हो जाए अगर आपको एक्टिविटी कर कर आए तो और फिर उसके बाद आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो हाथ है जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी ना हो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो और फिर उसके बाद आपने जो ऑक्सीमीटर का क्लिप होता है वो आपने अपने फिंगर के एंड के ऊपर लगा देना है और फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है और जैसे ही आपकी जो रीडिंग है उसके ऊपर जो फ्लक्चुएट होते हुए एकदम से स्टेबल हो जाएगी तो वो आपकी फिर ऑक्सीजन की एक्चुअल uh, रीडिंग है कि आपके ब्लड में जो है वो इतने परसेंट ऑक्सीजन है ये आपको परसेंटेज में नज़र आता है कुछ चीज़ों से इसके ऊपर असर पड़ सकता है कि जैसे कि आपकी स्किन का कलर क्या है अगर डार्क स्किन का कलर होता है तो उससे हो सकता है कि आपकी uh, इसकी फ्लक्चुएशन हो सकती है इसके रिजल्ट की या कोई टुबैक को यूज़ कर रहा है या किसी की जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी नहीं है फिंगर के अंदर तो उनकी भी चेंज हो सकती है थोड़ी सी रीडिंग या जो है किसी ने नेल कलर लगाया हुआ है या आर्टिफिशियल नेल्स अगर लगाए हुए हैं तो उन लोगों की रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है इसकी जो नॉर्मल रीडिंग होती है वो आपकी जो ऑक्सीजन की वो नाइन्टी से ऊपर होनी चाहिए अगर आपकी नाइन्टी से बिलो है और उसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं वीकनेस के या सांस फूलने के तो आप फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें